विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जड़ें राजस्थान में मजबूत करने के लिए राज्य के किसानों को केसीसी ऋण माफी का बड़ा तोहफा दिया है। वैसे तो राजस्थान की गहलोत सरकार विधानसभा चुनावों के बाद से ही किसान कर्ज माफी के चक्रव्यूह में फंसी हुई थी, लेकिन कल गहलोत सरकार ने राज्य में हो रहे उपचुनावों को देखते हुए केसीसी ऋण माफी का मास्टर कार्ड खेला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के किसानों का दीर्घकालीन ऋण माफ करने के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। इस 100 करोड़ रुपए के बजट को केसीसी ऋण माफी योजना के लिए सभी बैंकों को वितरित किया जाएगा। राजस्थान में 2020 में पंचायती राज के चुनाव भी हैं और इस बार कांग्रेस को भली भांति ज्ञान है कि केसीसी ऋण चुनावों से पूर्व माफ नहीं किया गया तो राज्य के किसान कांग्रेस की जड़ें राजस्थान से उखाड़ देंगे, यानी राजस्थान में कांग्रेस की जड़ें हैं वो मजबूत नहीं होने देंगे। खींवसर जैसी विधानसभा सीट पर 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव को देखते हुए गहलोत सरकार ने चुनाव से पूर्व ही केसीसी लोन माफ करने का ऐलान कर दिया है। अब सभी किसानों का केसीसी लोन माफ होगा। हालांकि गहलोत सरकार ने अभी तक केसीसी कृषक ऋण माफी की गाइडलाइन तो जारी नहीं की है। गाइडलाइन आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किन किन किसानों का कितना कितना केसीसी लोन माफ होगा। राजस्थान के लगभग 60 लाख किसानों ने केसीसी लोन ले रखा है और सरकार ने 100 करोड़ रुपए केसीसी ऋण माफी के लिए बजट पास किया है। किसानों के हिस्से में कितना लोन माफी का बजट आएगा ये तो गहलोत सरकार की गाइडलाइन आने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा। लेकिन ये तो कंफर्म है कि 60 लाख किसानों के लिए यदि 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं तो काफी लोन है वो माफ हो सकता है। साथ ही राजस्थान के सीमावर्ती राज्य हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर भी 21 अक्टूबर को चुनाव है। यदि राजस्थान में कांग्रेस चुनाव पूर्व अपने किसान कर्ज माफी के वादे को पूरा नहीं करती है तो हरियाणा के किसान वहां कांग्रेस के पैर मजबूत नहीं होने देंगे, क्योंकि ये कांग्रेस का किसान कर्ज माफी का झूठा वादा माना जाएगा। इस तरह से केंद्रीय नेतृत्व द्वारा यानी कि राजस्थान में राहुल गांधी द्वारा किसान कर्ज माफी के वादे को पूरा करने के लिए गहलोत सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राजस्थान के सीमावर्ती राज्य हरियाणा में चुनावों का जो फायदा है वो राजस्थान वासियों को भी मिला है, राजस्थान के किसानों को भी मिला है। हालांकि राजस्थान के किसानों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब किसी तरह से अशोक गहलोत है वो केसीसी लोन माफ करेगी, लेकिन हरियाणा के अंदर ये जो बिगड़े हालात हैं कांग्रेस के, इसको देखते हुए किसानों के प्रति जो झूठे वादों का रोष है कांग्रेस के प्रति, इसको देखते हुए गहलोत सरकार ने 100 करोड़ रुपए किसानों को बांट दिए हैं, यानी कि अभी इसकी गाइडलाइन आनी बाकी है। ये कन्फर्म है कि अब की बार गहलोत सरकार है वो चुनावों से पूर्व किसान कर्ज माफी का जो वादा है वो निभाएगी। किसान कर्ज माफी की राशि है वो चुनाव से पूर्व किसानों के खातों में आने वाली है। तो दोस्तों, आपको आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है कि क्या किसान कर्ज माफी है वो अशोक गहलोत पूरी कर पाएंगे, क्या केसीसी लोन को जो गहलोत सरकार है वो पूरा कर पाएगी? तो आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन